फ्रेंड्स, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट नोटिस को डिस्कस करने वाला हूं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा पब्लिश किया गया है 7 दिसंबर को। तो उसी को लेकर आने वाला हूं कि एलपी का वैकेंसी क्या 6 मंथ तक अब नहीं आने वाली है, तो इसी को लेकर के अभी डिस्कस करेंगे। और पूरा अच्छे से आपको यहाँ पर पूरा आंसर मिल जाएगा कि क्या वैकेंसी अब आएगा कि नहीं आएगा। इसके बारे में ये जो नोटिस निकाला गया है, इसमें आपका क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि SEN 01/2018 जो एलपी और टेक्नीशियन का वैकेंसी आया था, उसमें जो टेक्नीशियन के पोस्ट है, उसमें जो स्टैंड बाय और वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स है, उन लोगों को अभी जल्दी से जल्दी उन लोगों का वेटिंग लिस्ट को क्लियर कराया जाए। ये इसमें लेटर में डिस्कस किया गया है। SEN 03/2018 जो JEE CMA जो वैकेंसी आई थी, उसमें भी जो वेट लिस्टेड और स्टैंड बाई कैंडिडेट है, उन लोगों का जल्दी से जल्दी वेट लिस्ट, जो भी कैंडिडेट है वेट लिस्ट में, उन लोगों का क्लियर किया जाए, इसमें ये दिया गया है। SEN 02/2019 में जो वैकेंसी आई थी पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, उन लोगों को भी इसमें मेंशन कर दिया गया है कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो आई थी उसका वैकेंसी फिलअप करने के लिए, इसी को लेकर के इसमें डिस्कस किया गया है कि जो भी वेट लिस्टेड कैंडिडेट है आपका टेक्नीशियन और JEE CMA में और पैरामेडिकल स्टाफ जो वैकेंसी आई थी, इसमें सारे वेट लिस्टेड कैंडिडेट को जल्दी से जल्दी वेट लिस्ट, जो भी आपका वेट लिस्टिंग कैंडिडेट है, उन लोगों का क्लियर किया जाए जल्दी से जल्दी। नोटिस में मेंशन किया गया है कि 31/12/2022 तक सारे जो जोनल रेलवेज है, इसमें जो कहीं कहीं जो वेट लिस्टिंग कैंडिडेट है, उन लोगों को बोला गया है कि आप अपने वैकेंसी जो भी है जल्दी से देखें, और जो भी वेट लिस्टेड और स्टैंड बाई कैंडिडेट है वो उसमें आपको जल्दी से उन लोगों को ज्वाइनिंग करवाएं। और जितने भी वैकेंसी अगर खाली होते हैं उसका भी एक पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भेजे, सारे रेलवे बोर्ड को, ताकि उन लोग आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर पाए वैकेंसी के रिलेटेड जो भी वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि एलपी का आपको देखिए कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी एलपी का जो वेटिंग जो है सारे बोर्ड ने लगभग लगता है क्लियर कर लिया है, इस नोटिस से तो ही पता चल रहा है। तो एलपी का लगभग सारा क्लियर है, तो अब टेक्नीशियन को भी जल्दी से क्लियर कराया जा रहा है। तो इसमें एक चीज़ देखा गया है, एक वेटिंग में रिजल्ट दिया है उन लोगों को भी क्लियर कराया जा रहा है 4 ईयर्स के बाद भी। तो इसमें एक अच्छा है कि जिन भाइयों का वेटिंग में रुक गया था रिजल्ट, उन लोगों को इसमें इजीली जल्दी से ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, ये जो लेटर आया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के थ्रू। तो इसमें बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है उन लोगों का जो भी वेटिंग में थे, उन लोगों का फाइनली ज्वाइनिंग हो जाएगा जल्दी से। 12/2022 के बाद 30/06/2023 तक जो भी इन सारे लोगों को ज्वाइनिंग देने के बाद, जितने भी जो जोनल रेलवेज बोर्ड है कि सरआरबी बोर्ड है, उन लोगों को बोला गया है कि आप अपने अपने पोजीशन बताएं कि कहाँ पे कितने वैकेंसी खाली है, ताकि उन लोग वैकेंसी निकाल सकें। तो इसमें ये भी मांगा गया है, और इन लोगों को ज्वाइनिंग देने के बाद पूछा गया है कि आपके बोर्ड में कितने कितने वैकेंसी खाली है, आप पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भेजें, ताकि उन लोग वैकेंसी पब्लिश कर सके, और एक हर आरआरबी बोर्ड में कितने कितने वैकेंसी है टेक्नीशियन के, जेई के और पैरामेडिकल स्टाफ, ये सब ज्वाइनिंग देने के बाद कितने वैकेंसी खाली होते हैं, कितने वैकेंसी खाली है, उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगा गया है हर जोनल रेलवे से। तो ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ भी है, और एंड से एलपी का लगता है कि वेटिंग लिस्ट मैक्सिमम बोर्ड ने क्लियर कर दिया है, इसलिए इसमें मेंशन नहीं किया गया है, नहीं तो आपका 2018 वाला जो वैकेंसी आई थी उसमें टेक्नीशियन को ही क्यों पॉइंट आउट करके इसमें दिया गया है, ये सोचने वाली बात है। तो आप लोग समझिए कि वैकेंसी 6 मंथ के अंदर भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा उसमें उतने दिन तक ड्यूरेशन दिया गया है कि 30/06/2023 तक आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देना है कि कहाँ पे कैसे कितने खाली होने वाले हैं, कितने रिटायरमेंट होने वाले हैं, सारा कुछ, तभी उस हिसाब से रेलवे बोर्ड वैकेंसी पब्लिश करेगी। तो आप अपना तैयारी करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकता है 6 मंथ के अंडर में। तो आप लोग घबराए नहीं, और ये मत सोचे कि वैकेंसी आने वाला नहीं है, क्योंकि रेलवे बोर्ड इसमें एक्टिवनेस तो दिखा रहा है कि अभी ये लेटर पब्लिश किया है, और इसके थ्रू वेट लिस्टेड कैंडिडेट है जो भी, उन लोगों का ज्वाइनिंग कराने के लिए लेटर को निकाला गया है। तो इस बात तो तय है कि वैकेंसी भी जल्दी आएगा, क्योंकि इसमें सारा कुछ क्लियर कर दिया गया है कि वैकेंसी आप बताइए कौन से बोर्ड में कितने वैकेंसी है। एलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं जो भी, तो उन लोग अपना 100% एफर्ट लगाए, क्योंकि अभी देखिए आपको 6 महीने यहाँ पे टाइम मिल गया है,
मे बी उससे पहले भी वैकेंसी आ सकती है। तो जिसकी भी ड्यूरेशन मतलब जो रनिंग में है और उससे पहले अगर कंप्लीट हो जा रहा है उनका कोर्स ITI डिप्लोमा या BTech, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा ये वैकेंसी। और अच्छा वैकेंसी देखने को मिल सकता है क्योंकि हर बार 26,000 से ऊपर ही वैकेंसी आया है। तो इस बार देखते हैं कितना वैकेंसी आता है, और बाद बाकी जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको जल्दी से अपडेट कर दूंगा। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको कुछ भी डाउट होता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपका आंसर दूंगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स।